मतलब मॉडल सेट के मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 34 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। हम लोग पास में क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ऊपर में कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -5 और -2 और 9 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ एक वर्ड है जिसको आपको समझना है। अगर ये वर्ड आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 एंड -5 एंड -2 9। बोल रहा है हमारे पास में दो पॉइंट्स रहेंगे, दो बिंदु रहेंगे, और दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कैसा है, समदूरस्थ है। तो हम लोग को एक्स अक्ष पर वो पॉइंट निकालना है कि एक्स बिंदु पर वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट को लिख लेते हैं कहीं पे, कि हमारे पास में दो पॉइंट लिया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास में दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं बी, और दोनों पॉइंट का निर्देशांक क्या है तो -2 -5 है, और दूसरा पॉइंट का निर्देशांक क्या है तो -2 और 9 है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, बोले दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस कहीं पर होगा, मान के चलते यहाँ पर एक्स एक्सिस का पॉइंट है और इसका पी नाम दे देते हैं, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, एक्स का वैल्यू एक्स होता है, वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसको आपको याद रखना है। तो बोल रहा है कि ये जो पी से ए की दूरी है और पी से बी की दूरी है, दोनों कैसा होगा, बराबर होगा, समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये बिंदु को निकालना है, यहाँ तो जीरो दिया, बस एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। अगर एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, सपोज दैट कोई नंबर आ जाता है यहाँ पर और ये जीरो, तो हम लोग बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कहां पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सबका नाम लिख देंगे कि माना कि बिंदु ए, जो बिंदुए हैं बिंदुए ए तथा बी एक्स अक्ष से, है ना, लिखते हैं एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ये लिख दिए। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कि लेट ए 2 -5 एंड बी -2 9 बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंस, जो कि इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस से जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंस पे, इस तरह का फिगर बना लेंगे हम लोग। क्या गिवन है कि दोनों समदूरस्थ है, मतलब पीए से पीबी के बीच की दूरी है ना कितना है। अच्छा, यहाँ पर एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, ठीक है, लिख दिए हैं, कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, चाहते तो वहां पे कोऑर्डिनेट लिख सकते थे। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से हम लोग पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम लोग का पीए का वैल्यू और पीबी का वैल्यू बराबर होगा। तो दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं पीए, तो पी वाला हो जाएगा x1 और ए y1, और इधर ए वाला हो जाएगा x2 और y2। इसी तरह जब इधर काम करेंगे x1 और y1 ये हो जाएगा, x2 और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बताते हैं पहले इसका पीए का क्या होता है दूरी सूत्र, तो होता है अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इधर भी होगा, है ना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, आपको ध्यान देना है कि ये p और b का x1 और y1 है, ठीक है, x2 और x1 है, तो ये रहा x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू हो गया हम लोग पास में x। प्लस y2 और y1 देखना है, y2 जगह 5 और ये y1 की जगह 0, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, हमारे पास में x2 और x1 लेना है, लेकिन अपन पी बी, तो p वाला और b वाला लेंगे, ये x1 और y1, ये वाला x2 और y2 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास में y2 कितना है -2, लिख देंगे -2, ये फॉर्मूला का माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है x है, इसका होल स्क्वायर करें, प्लस y2 - y1 है, तो y2 की जगह कितना वैल्यू है तो 9 है, -y1 की जगह 0 है, और इसका होल स्क्वायर, ये काम करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, -2 a की जगह 2 और b की जगह x, प्लस b की जगह में x है तो x स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 घटाकर स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ करना है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगेगा, लेकिन माइनस को कॉमन लेने के बाद, एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, +2 और +x बचेगा, और बाहर में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर वर्क करने पे 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है।
अभी हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड में क्या चल रहा है, ईबी स्क्वायर रूट है, ईबी स्क्वायर रूट है, दोनों साइड वर्गमूल है। इसको हटाने का क्या तरीका होता है, दोनों के साइड में हम लोग वर्गमूल को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिख देते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों साइड हम लोग वर्ग कर देते, चाहते तो ऊपर में भी कर सकते थे, ठीक है। तो लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ते चलते हैं साथ में कि दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और ये चार एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर उधर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला में इसको तोड़ना पड़ेगा। इधर बाहर में स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर और ये रूट, यानी कि वर्ग और ये वर्गमूल दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, बिना स्क्वायर वाला रूट वाला नंबर, यानी अंदर में जो वो सारा बचेगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले, फिर माइनस फोर एक्स, फिर हमारे पास 25 और 4 है, दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29। इधर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम तोड़ देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह 2 और b की जगह x, प्लस b की जगह x का स्क्वायर प्लस 81। चार हो गया प्लस यहाँ 4x हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया प्लस 81। x और 4x को इधर लाते हैं, ठीक है, x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 4x, और ये आएगा तो माइनस में 4x, और ये भी आएगा तो माइनस में x स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो 85, और ये 29 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 29। ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, माइनस 4x और माइनस 4x जोड़ेंगे तो माइनस 8x बराबर, यहाँ पर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं 85 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 7 में से 2 कर लेंगे तो 5 बचेगा, 8 माइनस 8 को उधर ले जाएंगे तो 56 बाय माइनस 8 हो जाएगा, और 8 का टेबल में 7 बार में कटने के बाद क्या बचेगा, x का वैल्यू बचेगा माइनस में 7, जो कि हम लोग का आंसर है। लास्ट में आपको लिख देना है कि पॉइंट क्या होगा, तो लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे P, पॉइंट जो हम लोग मान के चले थे कितना, x और 0, तो ये हो जाएगा हम लोग पास में x की जगह कितना आ चुका है, माइनस 7 और 0, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा, अतः करके आप लिख देंगे, ठीक है, हेंस करके ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अगर सही से करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी तरह वीडियो चैनल पे कंटिन्यू डाला जा रहा है, चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन हिट कर लें, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।